नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा दसवीं का मासिक टेस्ट का जो आपका अगस्त का पेपर है, विषय सामाजिक विज्ञान का माह अगस्त का, वो रियल पेपर मैं आपको लेकर आया हूँ जो कि आपका 28 अगस्त को होना है। यह पेपर आपका 20 अंक का रहेगा, समय रहेगा इसमें 1 घंटे का, और दोस्तों 100% आपका यही पेपर आएगा। तो इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके बाकी के पेपर हैं वो भी इसी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो चलते हैं सीधा प्रश्न की तरफ। पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। वन्य जीवों के आवास संरक्षण हेतु पहला कानून बनाया गया था? तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, संयुक्त वन प्रबंधन अधिनियम 1988, द वन्य जीव अधिनियम 1986। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये है आपका कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर जो कि आपका 28 अगस्त को होना है। तो इसका रियल पेपर है 100%। तो आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर जुड़े रहिए और मैं आपको बताऊंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, वन्य जीव संरक्षण। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो। पूर्वोत्तर मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, आवास के लिए। तीसरा है, चोरी चोरा की घटना कब हुई थी? जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आ, 5 फरवरी 1922 को। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक चार की तरफ। विनियम की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? जी हाँ दोस्तों, जो विनियम की प्रारंभिक प्रणाली थी वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक दो की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये चार प्रश्न हैं, प्रत्येक पर एक एक अंक आपको मिलेगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका पहले का आंसर। दूसरे का है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत के खालिस्तान नामक स्थान पर किया था। तो जो इसका जो दूसरे का जो प्रश्न का आंसर है दोस्तों, और तीसरे का है, रायमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन हुए लाठीचार्ज के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्रामी चेतानी सेनानी खालिस्तान शहीद हुए थे। और चौथा है, भारत में करेंसी नोट खालिस्तान जारी करता है। तो ये हैं दोस्तों आपके रिक्त स्थान, और दोस्तों आपका 100% रियल पेपर है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से, भारतीय रिजर्व, भारत की करेंसी नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व। और अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक तीन। आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य है, अथवा जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक लिखिए। प्रश्न क्रमांक चार में, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया समझाइए, और अथवा भारत में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। तो ये आपके जो है ये तीन तीन नंबर के प्रश्न हैं दोस्तों, ये भी आपको करना है, और इसके आंसर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो में। पांच, कर्जदाता कर्ज देते समय ऋणधार की मांग क्यों करते हैं समझाइए, अथवा ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों को कोई तीन अंतर लिखिए। छठवां, नमक मार्च किस उपनिषदवाद के विरुद्ध प्रतिरोध की उपावी हथियार बन समझाइए, ये हो जाएगा छठवां। छठवें का अथवा है, साइमन कमीशन क्या था, भारतीयों ने इसका विरोध क्यों किया। तो ये आपका दोस्तों रहेगा चार नंबर का प्रश्न, और ये आपका कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया 28 अगस्त को यही आएगा, सामाजिक विज्ञान 10th। तो इसका प्रश्न एक का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, दूसरे का है आवास के लिए, तीसरे का है 5 फरवरी, और दूसरे का है मध्य प्रदेश 1917 में, और ये हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर।
तो आप इसको भी देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 3 का जो आंसर है वो आरक्षित वनों से तात्पर्य, तो ये इस प्रकार का है, तो आप ये देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर, आप देखते जाइए दोस्तों, ये है इसके आंसर, तो आप इसको भी रट लीजिए। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया समझाइए, तो ये है इसका राइट आंसर दोस्तों, इसको भी आप अच्छी तरीके से रट लीजिए, क्योंकि 100% आपका यही पेपर आने वाला है 28 अगस्त को, कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों, रियल पेपर है, यही आपको देखने को मिलेगा, तो ये थोड़ा बड़ा है तो आप इसको देख लीजिए। और राइमन कमीशन का उद्देश्य भारत सरकार अधिनियम 1919 का, ये राइट आंसर है, इसको भी कर लीजिए। और भारत में राइमन कमीशन का विरोध, तो ये भी इसका है, तो इसको भी आप कर लीजिए। तो ये आपका कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान का पेपर है दोस्तों उसका, तो ये है इस प्रकार से, आप इसको देख लीजिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।